अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द WTI टॉक्स। आज का जो टॉपिक है हमेशा की तरह, मतलब द पॉइंट है कि हम ऐसे टॉपिक्स, ऐसे डेवलपमेंट्स को कवर करें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेजोनेट करती हैं सबके साथ। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वाटर क्राइसिस एंड वाट इज़ हैपनिंग विद पाकिस्तान वाटर लैंडस्केप। तो ये टॉपिक मेरे नज़दीक, हम सबके नज़दीक, बल्कि ना सिर्फ CSS की एग्जामिनेशंस बल्कि ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग लेवल, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके लिए जस्ट गेस्ट को हमने आज इनवाइट किया है। ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू गिव अस हिज टाइम ऑल द वे फ्रॉम अज़रबैजान बाकू, मिस्टर रज़ा फारूक साहब। ही इज़ एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट एंड अ वाटर रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट विद मोर दैन 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दीज फील्ड्स। जो सर हैं रजा साहब, इन लोग, इन्होंने हर तरह की कंट्री के अंदर एक्सपीरियंस किया है, मिडिल क्लास, मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड इवन पुअर कंट्रीज़। उनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुके हैं। पाकिस्तान के वाटर जो सेक्टर है ख़ास तौर पे, इस पर मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, ओरिजिनल रिसर्च है। तो आज इनको हमने दावत दी और इनसे हमने पूछना है कि पाकिस्तान का वाटर का सिनेरियो अगले आने वाले मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है और क्या मसले हैं जिसके हम सब सफ़र करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। एंड आज मैंने आपसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है सर हमारे वाटर सेक्टर के बारे में, आपका पूरा फ़ायदा उठाना है इधर। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूँ, एक हमारी ऑडियंस के लिए बल्कि मेरे लिए भी, कि बेसिक लेवल पे अगर आप हमें सर पाकिस्तान के वाटर सेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाएं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पाकिस्तान वाटर सेक्टर, तो सर दैट वुड बी रियली गुड। थैंक यू वेरी मच उसामा, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान का वाटर सेक्टर जो है ना, वो दैट इज़ आइडेंटिफाइड विद इंडस बेसन। इंडस बेसन, इंडस आपका सबसे बड़ा दरिया है और बेसन उस एरिया को कहते हैं जो किसी दरिया में ड्रेन होता है। तो इंडस बेसन तकरीबन 112 मिलियन हेक्टर्स का बेसन है एंड इट इज़ स्प्रेड ओवर थ्री कंट्री, ये तीन मुल्कों में है। इसका 63% पाकिस्तान में है और आई एम ट्राइंग टू रिकॉल नंबर्स, 29% इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और 8% अफगानिस्तान में है, जो आपका काबुल रिवर आ रहा है। तो इसका जो साइज़ है वो पाकिस्तान के साइज से तकरीबन 40% बड़ा है। पाकिस्तान का जो एरिया है दैट इज़ रफली 80 मिलियन हेक्टर्स, ठीक है। और इसका जो पाकिस्तान में इंडस बेसन का एरिया है दैट इज़ अबाउट 71 मिलियन हेक्टर। सो रफली 89% ऑफ पाकिस्तान इज़ इंडस बेसन। वाह। 11% इज़ द एरिया विच इज़ मेनली इन बलोचिस्तान दैट ड्रेन्स इन द वेस्ट। तो इंडस बेसन आपकी कह रहे हैं कि आपके मुल्क की जो है वो बैकबोन है इन मैनी रेस्पेक्ट्स। इसमें सब लोग जानते हैं कि पांच दरिया हैं, लेकिन पांच दरिया थे, अब है नहीं। एक तो इंडस इटसेल्फ है जो कि सबसे वेस्ट में है, उसके साथ झेलम है, मेरा ख्याल है सब लोग जानते हैं उसको, उसके साथ चनाब है, फिर उसके बाद रावी है और उसके बाद सतलुज है। रावी और सतलुज के बीच में भी एक दरिया होता था, उसको कहते थे ब्यास रिवर। तो ये पंजाब है जिसको पांच दरियाओं की ज़मीन कहते हैं, इसमें इंडस नहीं था, इसमें झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज थे, ठीक है। तो जब आपकी इंडस वाटर ट्रीटी, बड़ा मशहूर डॉक्यूमेंट है, 1960 में साइन हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो उसमें तीन वेस्ट के दरिया जो थे, इंडस, झेलम और चनाब, ये पाकिस्तान को मिल गए और रावी, सतलुज, ब्यास इंडिया को मिल गया। तो उसके ऊपर इंडिया को इजाज़त थी, दे कि बिल्ड रिजर्वायर्स, तो उन्होंने बनाए। एज अ रिज़ल्ट जो ब्यास है वो बिल्कुल ड्राई हो गया। ब्यास के अब आपको ट्रेसिसिटी मिलते हैं पाकिस्तान में, वैसे भी रिवर कोर सारा जो है उसके एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी हो गई है। तो जो इंडस बेसन का पार्ट है पाकिस्तान में, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव पार्ट, वो बेसिकली वो है जिसमें हमारी एग्रीकल्चर होती है। तो आपका जो वाटर है जो इस बेसन में आता है, ऑन एवरेज तकरीबन 100, हम इसको करते हैं डिवाइड
ड्राई ईयर, एवरेज ईयर एंड वेट ईयर। तो वेट ईयर में तकरीबन 150 मिलियन एकड़ फिट से एक्सीड कर जाता है, ड्राई ईयर में ये रिसेंट हिस्ट्री में 100 से भी नीचे गया है, 98 से 2004 के बीच में जब ड्राउट था पाकिस्तान में, और एवरेज 125-130 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है ना। तो आप कह रहे कि और एवरेज 125 और 130 मिलियन एकड़ फीट पानी इसमें आता है। अब ये बेसन ऐसा है कि ये बड़ा यूनिक बेसन है दुनिया का, कि इसमें एक तो है ह्यूज, दूसरा ये है कि इसमें ह्यूमन एक्टिविटी बड़ी इंटेंसिव है और इसके ऊपर डिपेंडेंस बहुत बड़ी पॉपुलेशन की है। मतलब विद इन पाकिस्तान हमारी जो हमारा जो ख़ुराक की ज़रूरियात है, उस जो हम पैदा करते हैं ख़ुराक, उसमें से 90% खुराक इंडस बेसन में पैदा होती है, 10% इंडस से बाहर पैदा होती है। जो हम लोकली प्रोड्यूस करें, इंपोर्ट भी करते हैं मीट वो लेदा, और हमारी पॉपुलेशन का तकरीबन आप कह लें कि 80% पॉपुलेशन इंडस बेसन में रहती है। तो इस इंडस बेसन में एक बड़ा दुनिया का यूनिक इरिगेशन सिस्टम बना हुआ है, उसको कहते हैं इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम, IBIS। ये स्टार्ट हुआ था 19th century में, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था, और ओवर द ईयर्स बेसिकली पर्पस था कि पहले जो उससे इरीगेशन होती थी वो बस दरियाओं से पानी लोगों ने ऐसे आज निकाल लेना चैनल बना के, तो जो फ्लडिंग से आना कर लेना। तो अंग्रेज़ ने डिज़ाइन किया सिस्टम 66% क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे, उन्होंने बराजेस बनाए, कनाल्स बनाई, लोगों को ज़मीनें अलाट की, तो वो 66% पे आपकी ये सिस्टम डिज़ाइन हुआ। और आज माशाल्लाह इसको 150 साल होने वाला है, अब हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कई जगह पे 200% भी हो गई है, और जहाँ पे क्रॉपिंग नहीं करनी थी वहाँ पे भी हम क्रॉपिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर भी हमारी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो ये पूरा जो हमारा बेसन है जो हमें हमारी खुराक के लिए, ये हमारी फूड बास्केट है, इसका जो सबसे बड़ा इनपुट है वो पानी है। तो 90% जो पानी पाकिस्तान में आता है, ऑन एवरेज 90% पानी आपका इरिगेशन में यूज़ होता है, वो कितना उस वाटर की प्रोडक्टिविटी कितनी है वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर वाटर। इन पैरेलल अल्लाह ने पाकिस्तान को मेरी नज़र में हाइड्रो पावर कंट्री बनाया था, पाकिस्तान की टोपोग्राफी और पाकिस्तान की जिस तरह उन्होंने रिवर्स दिए और रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं सारी, वो ऐसी अल्लाह ने खूबसूरत लेआउट की है उनका कि आप उसके बाद बेतहाशा हाइड्रो पावर कर सकते थे। अर्ली 80s में एक स्टडी हुई थी जिसमें पाकिस्तान की हाइड्रो पावर साइट्स आइडेंटिफाई की गई थी, और उसमें तकरीबन 50,000 मेगावाट की साइट्स आइडेंटिफाई हुई थी, और फिर सब्सिक्वेंटली उनके ऊपर प्लान्स बने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम बना नहीं सके। पाकिस्तान वाज़ अ हाइड्रो पावर कंट्री, बदकिस्मती से हम चले गए टूवर्ड्स थर्मल। तो वो एक और बड़ी स्ट्रांग डायमेंशन है आपके वाटर की। जो सबसे बड़ा काम इसमें हुआ वो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ हुआ, कि इंडस वाटर ट्रीटी में इंडस रिप्लेसमेंट फंड जनरेट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें इंडिया का भी शेयर था, 66 मिलियन पाउंड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्रीटी में लिखा हुआ है। तो उसके अंडर इंडस रिप्लेसमेंट वर्क्स हुए, क्योंकि जो तीन दरिया इंडिया को चले गए थे उसमें भी आपकी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मेरा ख्याल है मोर देन 1.5 मिलियन एकर्स ज़मीन उस वक्त थी उसमें जो इरीगेट होती थी। तो उसको इरीगेट करने के लिए ये डिसाइड किया गया, एग्री किया गया कि जो तीन हमारे वेस्टर्न रिवर जो हमें मिले हैं उससे हम लिंक कैनाल बना के पानी उधर लेके जाएंगे, और उसकी कॉस्ट जो है वो शेयर करेगा हमारा जो ट्रीटी का दूसरा काउंटर पार्ट है। तो ये फंड बना था 100 मिलियन डॉलर्स का, 100 मिलियन पाउंड्स का, कोई ट्रीटी बस सुपरवाइज्ड मैनेजेड बाय वर्ल्ड बैंक इवन गारंटीड। तो पानी की ये अहमियत है कि अगर आप पानी को अच्छा मैनेज कर लें, आप की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी, आपको कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपकी आप इतनी पावर जनरेट कर सकते हैं कि यू कैन बिकम एन एक्सपोर्टर इन द रीजन, हाइड्रो पावर चीप इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज़ योर वाटर सेक्टर, दैट इज़ क्रिटिकल इम्पोर्टेंस।
राइट सर, इतनी सर आपने जो बताया, IBIS बताया, एसेट्स है हमारे पास, सारा इम्पोर्टेंस बताइए, तो आपको लगता है कि हमारे ये जो हमें सब कुछ मिला है थ्रू नेचर या हमने जो खुद भी बिल्ड किया है, डू यू थिंक कि ये उसके मुताबिक या उसके पोटेंशियल के मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं? इसमें जहाँ तक हमारा इरीगेशन का ताल्लुक है, जो कि हमारा सबसे बड़ा वाटर यूज़र है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं लाइक ऑल सेक्टर्स, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि दिस इज़ वन सेक्टर, ये एक सेक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है डिस्पाइट ऑल इश्यूज़, डिस्पाइट ऑल गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, अदर प्रॉब्लम्स वी हैव, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, वट एवर, उसके वो हमें नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम 66% क्रॉपिंग इंटेंसिटी से बढ़ के 200 तक पहुंच गया है बहुत सारे कैनाल कमांड्स में। आपके बैराजेस फंक्शनल हैं, उनके ऊपर काम भी होता है, पीरियडिक अपग्रेडेशन होती है, आपके कैनाल्स फंक्शनल हैं, ठीक है, उसमें इश्यूज़ होते हैं, एक कॉमन इशू होता है जी, टेल पे पानी नहीं आ रहा, सबसे बड़ी शिकायत ये होती है, दूसरी होती है चोरी। गिवन ऑल दोज इश्यूज़, आई स्टिल बिलीव कि इट इज़ परफॉर्मिंग बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर फॉर यू। एंड जो एक तरफ हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी वीट, दूसरी तरफ कॉटन हम प्रोड्यूस करते थे जब वेन वी वर वर्ल्ड लीडर इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फिनिश प्रोजेक्ट, वी वर आई थिंक थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन यहाँ पैदा होती थी और उसकी वजह से इतनी कॉटन की, आपको पता है जब खैर दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू चेंज है वो कॉटन की है, इसलिए इसको वाइट गोल्ड कहते थे। उसकी वजह से इतनी इंडस्ट्री लगी हुई थी, डाइवर्स इंडस्ट्री लगी हुई थी, उसमें एम्प्लॉयमेंट थी, सो मच सो कि उसमें जो कॉटन सीड ऑयल निकलता था वो आप ब्लेंड करते थे उसके साथ आपके इम्पोर्टेड जो था आपका ऑयल आता था उधर से, पाम ऑयल, तो एक ज़माने में 75% कॉटन होता था, 25% इम्पोर्ट करते थे, आज आप तकरीबन 100% कर रहे हैं। तो दिस कॉटन नीचे चली गई, शुगर के ऊपर आ गया, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई स्टिल बिलीव दिस इरीगेशन सेक्टर इज़ परफॉर्मिंग मच 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 बेटर दैन ऑलमोस्ट ऑल अदर सेक्टर्स। राइट सर, लेकिन सर जो कॉमन, जिस तरह मेरी भी, हम सब की परसेप्शन ये बनी हुई है कि मैं आपसे आगे जाके पूछूंगा अभी आउटलुक वगैरह में, एक तो पानी ख़त्म हो जाएगा, दूसरा ये कि पानी पीने की कभी, पानी पीने वाला पानी कम है, वैसे वाटर लेवल्स नीचे जा रहे हैं, सब कुछ, कॉटन की आपने बात की, कॉटन क्रॉप कम हो गई है, फूड सिक्योरिटी बढ़ गई है, हम तो यही सुनते हैं यील्ड कम हो गई है, बल्कि ऐसा है अभी, तो कोई ना कोई तो की इश्यूज़ हैं ना सर, तो आपके नज़दीक वो कौन से आइडेंटिफाई किए हैं आपने की इश्यूज़ इस वाटर के अंदर हमारे? देखिए वाटर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बेतहाशा इश्यूज़ हैं, वाटर बड़ा कम्प्लेक्स सेक्टर है, बड़ा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इट इज़ मच मोर कम्प्लेक्स दैन एनर्जी या ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर्स। इसमें सबसे जो बड़ा मेरी नज़र में पाकिस्तान में जो इशू है ना, देखिए इश्यूज़ हैं वो डिफरेंट क्या कह रहे हैं लेवल्स पे हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रास रूट से, जो वाटर यूज़र्स हैं, जो लोग हम पानी पीने वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री में पानी यूज़ करने वाले हैं या फार्मर फार्म पे यूज़ करने वाले हैं, हमें वाटर की कीमत का एहसास ही नहीं है, ये कितनी कीमती नेमत है जो अल्लाह ने हमें दी है। मेरी नज़र में पानी गैस और बिजली से ज़्यादा कीमती है, उन दोनों का अल्टरनेट है, इसका अल्टरनेट नहीं है। आप बिजली और गैस किसी भी और तरीके से उसका सलूशन निकाल के आप खाना भी बना लेंगे, हीट भी कर लेंगे, बिजली भी बना लेंगे, पानी आप नहीं पैदा कर सकते। तो पानी की कीमत, पानी की वैल्यू, इसका क्रिटिकल इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी में और आप ऑब्वियसली आपके मुल्क के लिए, हमें वो समझने की ज़रूरत है। दैट इज़ वेयर वी हैव लैक्ड, हमने मैसेस को एजुकेट नहीं किया। तो ये हमें, मैं तो कहता हूँ हमारे बेसिकली ये मीडिया का रोल है, मीडिया में हमारे वाटर के ऊपर एक ग्रेट डिबेट होनी चाहिए और वो चलती रहनी चाहिए। ये तो हो गया एक लेवल। दूसरा लेवल है वाटर मैनेजर्स का, वो है उसमें अनफॉर्चुनेटली इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, तो एक वक्त था कि जो वाटर इंस्टीट्यूशन थे पाकिस्तान के, मतलब वापडा फेडरल लेवल पे, प्रोफेशनल इरीगेशन डिपार्टमेंट या मेन इंस्टीट्यूशन जो वाटर को मैनेज करते हैं, वाटर रिसोर्स को डेवलप करते हैं, वो सारे टेक्निकल लोगों के हाथ में थे, हमारे पास बड़े वर्ल्ड क्लास वाटर एक्सपर्ट्स थे, इंजीनियर्स थे। ग्रेजुअली वो रिप्लेस हो गए,
विद नॉन टेक्निकल पीपल, उसके दो नुकसान हुए। एक तो ऑब्वियसली अगर मैं वाटर एक्सपर्ट हूँ तो मुझे आप किसी हाइड्रो पावर सॉरी किसी आईपीपी का हेड बना देंगे तो मेरे लिए तो मसला होगा, या मुझे आप कहें कि आपको स्टील मिल का हेड बना देते हैं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मैनेज। तो एक तो ये इशू हुआ। दूसरा, जो टेक्निकल लोग थे उस डिपार्टमेंट में, जो कि मसला इंजीनियर आता है ग्रेड 17 में फिर ऊपर जाता है 19-20, उनको पास विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डीमोटिवेट हो गए, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहे, उनके आइडियाज़ नहीं कोई एक्सेप्ट करने वाला था, कोई समझने वाला नहीं था, उसकी वजह से हमारे ये सिचुएशंस जो है ना ये कमज़ोर हुए। तो एक ये सिचुएशनल इशू है, और ब्रॉडर गवर्नेंस इशू ये है कि तीसरा लेवल गवर्नेंस टॉप लेवल, वो ये कि हमने पॉलिसी लेवल पे ये रियलाइज़ नहीं किया कि वाटर जो है ना इसमें हमें पाकिस्तान पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बड़ा यूनिक वो है। इसकी एक और यूनिक चीज़ ये है कि हमारा जो पानी आता है ना उसमें सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। एक ज़माने में हमारा 80% आता था जो हमारे वेट मंथ्स होते थे जून जुलाई अगस्त सितंबर। जून में स्नो ग्लेशियर मेल्ट शुरू हो जाता था, फिर जुलाई अगस्त सितंबर मॉनसून आ जाती थी, तो हमारे जो वेट मंथ्स थे उसमें तकरीबन 80% पानी आता था 4 महीने में, बाकी 8 महीने में 20%। तो आपकी रबी की शॉर्टेज शुरू हो जाती थी। हमारी स्टोरेज कैपेसिटी पता है कितनी है? 30 डेज। सर ऑपोजिट नेबर्स में कितनी होगी? हंड्रेड्स ऑफ डेज। होता यह है कि आपके पास इतना पानी होता है जुलाई अगस्त सितंबर में कि आपसे संभाले नहीं जाते, बल्कि वो आपका नुकसान करता है फ्लड्स की शक्ल में, और बाकी मंथ्स में आपके पास पानी नहीं होता, फिर उसकी वजह से इश्यूज़ होते हैं। तो एक तो ये था कि हम लोग तरबेला हमारा लास्ट टाइम था जो 1974 में कमीशन हुआ था, 76 में कमीशन हुआ था, उसके बाद हमने कोई डैम नहीं बनाया। तो जब एक ऐसा बेसन जिसमें इतनी ज़्यादा सीजनल वेरिएशन हो और उसके ऊपर आपकी सारी जो है एग्रीकल्चर डिपेंड कर रही हो, आपकी 80% पॉपुलेशन उसमें रह रही हो, आपकी 60% लेबर फोर्स उसमें एक साथ कनेक्टेड हो, उसमें एम्प्लॉयड हो, तो उसमें उस सीजनल वेरिएशन के लिए आप क्या करेंगे? आप स्टोरेज बनाएंगे ताकि मेरे पास पानी रहे और मैं ड्राई सीजन में यूज़। हम भूल गए, तो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट हम भूल गए। इसे जैसे हम हाइड्रो पावर नहीं किया, हाइड्रो पावर और वाटर स्टोरेज रिजर्वायर ये दोनों वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में कहते हैं इनको, ये हम भूल गए 76 ऑनवर्ड्स। सारा जोर आ गया वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे, और मैनेजमेंट भी हमने कोई इतनी अच्छी नहीं की। तो ब्रॉडर लेवल पे हमें वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इन दोनों को साथ लेके चलना चाहिए था। और मैनेजमेंट भी हमने जो काम किया है, अनफॉर्चुनेटली हमने उसमें उसका बड़ा गहरा तल्लुक है आपका जो मिड लेवल मैनेजर मैनेजमेंट सिस्टम है वाटर का, जिधर हम थोड़े से फेल हो गए हैं। तो दीज आर द की इश्यूज़ इन माई व्यू। ओके, बाकी हर एक के नीचे सब इश्यूज़ बहुत होते हैं, वो फिर बात करेंगे तो सारा दिन लग सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, अब की इश्यूज़ तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं सर, उसके साथ ही नेचुरली द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो होगा वो ये होगा, इन इश्यूज़ का कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल जो सर सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है? पहले मैं आपको पावर की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो आपकी मेन एनर्जी है, वो रूट काज है आपकी इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन का सिंस मिड 90s व्हेन आईपीपीस वर अलाउड टू इंस्टॉल देयर प्लांट्स ऑन इंपोर्टेड फ्यूल। वहाँ से आपकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हुई, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़नी शुरू हुई, और आप ग्रेजुअली आपकी इंडस्ट्री जो थे खासतौर पर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी वो कम्पीट नहीं कर पाए, एक्सपेंसिव होगी इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा ऐसा डोमेस्टिक भी होगी। और आज आप देख रहे हैं कि मेरा इस्लामाबाद में घर है तो मैं ऑनलाइन उसका बिल देखता हूँ, तो उसका इस महीने का बिल 52 रुपीज़ पर यूनिट है,
36 रुपये उसकी कास्ट है इलेक्ट्रिसिटी की, और बाकी 16 रुपये उसके ऊपर दूसरे चार्जेस है, टैक्स वैक्स, ये वो 52 रुपीज़ पर यूनिट, विच इज़ इनसेन। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें पाकिस्तान को हाइड्रो पावर कंट्री बनाना है, उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है जो मेरे ख्याल में 10 साल में इम्प्लीमेंट हो सकती है। अब जितनी हाइड्रो पावर साइट्स हैं, मैं आपको गिनाना शुरू करूँ जो मुझे काफ़ी सारी याद है, उनकी पोटेंशियल भी याद है। मसलन बूंजी है इंडस पे गिलगित के पास, जस्ट 50 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ गिलगित, हाइड्रो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो 7100 मेगावाट। अगर आप इसको टोटल करें, मुझे बताएं सिर्फ, मैं ये एक कॉरिडोर बताने लगा हूँ आपको, 7100 मेगावाट। दसों आप बना रहे हैं, पहला फेज़, दो फेज़ बनेंगे 4300, उसके बाद था कोट आए 2200, पटन भी अराउंड 2000, एंड भाषा 4500, एड अब ये 20,000 मेगावाट बनते हैं। इसमें से आप तकरीबन 6,500-7,000 आप बना रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का भाषा शुरू हो गया, दसों बन, इसमें से आप 7,500 मेगावाट बना रहे हैं, बाकी 13,000 अब बना सकते हैं। ये सारी साइट्स मैंने इसलिए नाम लिए, ये दे आर ब्लो स्लो लाइन, इन पे आप 3 साल में इनको मुकम्मल कर सकते हैं, राउंड द क्लॉक काम करा के। भाषा भी आपको ऐसे ही करना चाहिए था, क्योंकि और इन एमरजेंसी सिचुएशन, तरबेला की लाइफ एक्सपायर हो रही है 2025 में, ठीक है ना। तो भाषा हैज़ टू वर्क एज अल्टरनेट, क्योंकि तरबेला रन ऑफ द रिवर हो जाएगा। तो भाषा मेरी नज़र में करना चाहिए था आपको 3 शिफ्टों में। तो आप एक स्ट्रेटजी बनाएं, मैं बना के दे सकता हूँ, हमने आई कैन वॉलंटियर, वो कि मैं नौकरी करता हूँ कहीं, लेकिन मैं इजाज़त लेके वॉलंटियरली कर सकता हूँ। 10 ईयर स्ट्रेटजी बनाएं टू कन्वर्ट पाकिस्तान इनटू हाइड्रो पावर कंट्री एंड फेज आउट IPPs। तो दोनों चीज़ें पैरेलल चलें। 2023 है, आप कहेंगे 2033 तक हम IPPs को फेज आउट कर देंगे, दे विल बी रिप्लेस बाई हाइड्रो पावर। उससे देर आर मैनी, आप पहला सवाल करेगा जो भी बैठा होगा इकोनॉमिस्ट या फाइनेंस के, पैसे कहाँ से आएंगे? उसके बड़े मॉडल हैं आप दुनिया में, उसमें बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन स्टिल इनसे जो अभी हम बर्दाश्त करें इससे बहुत कम होगी। तो ये एक सिंपल सोल्यूशन है उसका, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है जनरेशन है उसको एड्रेस करें। और इसके बेनिफिट्स किधर जाएंगे? इसके बेनिफिट्स जाएंगे आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तक, आपकी जो टेक्सटाइल है वो अगेन कंपेरेटिव हो जाएगी दुनिया में, ठीक है ना। अब आ जाए दूसरी तरफ, वो पानी जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस पानी के को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो मेरी नज़र में जो वाटर यूज़ चार्जेस हैं उसको ठीक करना होगा। अभी क्या है कि प्रोविंशियल से लगाएं वाटर यूज़ चार्जेस, लेकिन कलेक्शन बड़ी लो है, ठीक है, रेट्स भी लो है, फाइन, लेकिन पानी आपका जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देती है प्रोविंसेस को, जो डैम्स है वो फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वाटर कंट्रोल करता है, उसके ऊपर कास्ट आती है ना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कास्ट, वो कहीं से रिकवर नहीं होती। तो उसमें ये चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट शुड चार्ज प्रोविंसेस शुड चार्ज फार्मर्स, रियलिस्टिक प्राइसेस रखें, स्लैब्स बना लें, 12.5 एकड़ वाले थोड़ा देगा, 25 वाला उससे ज़्यादा, 50 वाला उससे ज़्यादा, इस तरह। एक चीज़ ये है, उससे होंगे क्या, उससे होगा ये कि आपकी जो क्या कहते हैं, वाटर इज़ फ्री फॉर एवरीवन ना, ये जो माइंड सेट है ना, ये चेंज होगा थोड़ा सा। फिर दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो इरिगेशन मेथड्स हैं वो सारे फ्री फ्लडिंग है, खेत में पानी, फार्मर की बारी जब होती है खेत में पानी छोड़ देता है, क्रॉप की ज़रूरत है या नहीं है, तो उसको ऊपर उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है दुनिया में, आज तो टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज़ हो रहा है, वो करने की ज़रूरत है। एफिशिएंट इरिगेशन आ गई है, ठीक है, हमारा जो इंडस बेसिन है, फ्लैट एरिया है, उसमें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, बट स्टिल दैट इज़ वर्केबल, कुछ पायलट्स किए गए हैं रिसेंट पास में। तो बहुत सारे ये मिक्स किस्म के जो है ना, आपको इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है उसके लिए। फिर आ जाए पीने के पानी की तरफ, जो पानी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, हम उस पानी को इस्तेमाल करते वक्त ये नहीं सोचते
कि ये कितनी बड़ी नेमत है। हम पोछ धोते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं, ब्रश करना है, पानी खुला चल रहा है, ये हम क्यों करते हैं? पहली बात तो मैंने कहा ना, हमें इसकी कदर नहीं है। ये इसलिए भी करते हैं कि हम कहते हैं ये पानी का बिल तो आना है फिक्स, क्योंकि वो तो घर के साइज़ के ऊपर है। तो इसके लिए एक ही सलूशन है, वाटर मीटर्स। जैसे मैंने कहा पानी गैस और उससे ज़्यादा कीमती है, तो उनके मीटर लगे हुए हैं ना, तो हम बड़े ऐतिहासिक, इसके भी मीटर लगना है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट शुड बी टेकन, स्पेशली इन बिग अर्बन सेंटर्स, और इट शुड बी डन एट ऑल लेवल्स। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आपका पीने का पानी डोमेस्टिक वाटर है ना, इवन कमर्शियल वाटर भी और बहुत हद तक इंडस्ट्रियल वाटर भी, ये सारा ग्राउंड वाटर पंपिंग हो रही है। ये एक अलग सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट है वाटर का हमारे यहाँ। और अब इरिगेशन में भी बहुत ज़्यादा हो रही है पंपिंग, सिंस 2004 जब ये ड्राउट आया ना, तो उसके बाद से कैनाल्स में पानी कम होना शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो ग्राउंड वाटर शुरू कर दिया। पीटर पंप्स लग गए, शैलो पंप्स होते हैं, फिर ग्रेजुअली ट्यूबवेल्स बनते गए, वाटर पानी नीचे जा रहा है। तो रिचार्ज नहरों से होता था, वो भी कम हो गया, नीचे जा रहा है पानी। और फिर शहरों में भी इसी तरह रिचार्ज कम हो गया, आपकी बारिशें जो है वो अनरिलायबल हो गई। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी स्ट्रांग डायमेंशन है इसकी, उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज से बड़ी थ्रेट है। पाकिस्तान इज़ अमंग द टॉप 10 कंट्रीज़ वो आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, और हमने देखा भी है उसका। 2010 में एक मेगा फ्लड आया, उसके बाद 11 में भी आया, अभी भी आया, ये सारे क्लाइमेट चेंज इवेंट्स हैं। तो इनको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन अभी तक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो स्ट्रेटजीज और प्लान वगैरह बन जाते हैं, लेकिन इसमें भी जो है फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है इससे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट प्रूफ कैसे करना है, बड़ा आसान सोल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें मैं 10 साल में ये हो सकती हैं। राइट, पाकिस्तान की आप पावर और वाटर सेक्टर, बोथ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, वाटर फॉर म्यूनसिपल यूज़, इसको आप ज़बरदस्त एफिशिएंट और रिलायबल कर सकते हैं, सस्टेनेबल कर सकते हैं, क्लाइमेट प्रूफ कर सकते हैं इन 10 ईयर्स। अगर सर पॉलिटिकल विल हो ऑफ कोर्स, तो देर आर मैनी प्री रिक्विजिट्स ना। राइट, आप पॉलिटिकल विल पहली चीज़ है, असल में एक्चुअली पॉलिटिकल विल ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती है। उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, वो समटाइम्स, अच्छा ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग हुआ है मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में देखा है, एक्सपर्ट्स की बड़ी शॉर्टेज है। बल्कि मेरे ख्याल में तो ग्लोबली वाटर एक्सपर्ट्स की सीरियस शॉर्टेज है, पाकिस्तान में तो है ही है, ग्लोबली सीरियस शॉर्टेज है। आई मीन पीपल हु डोंट हैव बेसिक एजुकेशन ऑफ वाटर। इन माय व्यू जिस बंदे ने हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलिक्स नहीं पढ़ी, जिसको हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलिक्स के फंडामेंटल्स नहीं पता, वाटर एक्सपर्ट नहीं है। तो दुनिया में ज़्यादातर वाटर एक्सपर्ट ऐसे ही हैं, मैंने एनवायरनमेंट में कर ली है, मैंने सोशल साइंस कर ली, मैं जो कहीं मैंने प्रोजेक्ट कर लिया तो मैं बन गया। तो वो भी एक दिस इज अनदर डायमेंशन। तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं, बट सॉल्यूशंस आर देयर एंड दोस सॉल्यूशंस आर नॉट टाइम कंज्यूमिंग इन माय व्यू। सर फाइनल क्वेश्चन, सॉल्यूशन इश्यूज डिस्कस हो गए, सॉल्यूशंस डिस्कस हो गए, अब मूविंग फॉरवर्ड, मैंने आपको कहा ना काफ़ी कंसर्न्स है, कोई कहते हैं पाकिस्तान में पानी ख़त्म हो जाएगा अगले 10 साल में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो कोई आगे वे फॉरवर्ड या आउटलुक क्या देख रहे हैं, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, या मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बता दें हमें। अच्छा ये भी ना एक मेरे ख्याल में मिथ है कि पानी ख़त्म हो जाएगा। पानी तभी ख़त्म होगा जब अल्लाह मियाँ बारिश बरसाना बंद कर देगा। आपके जो सोर्स ऑफ वाटर है वो, जैसे मैंने पहले कहा, इंडस में ग्लेशियर्स हैं, आपके स्नो है और बारिशें हैं। तो अब ग्लेशियर्स की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 7,000 ग्लेशियर हैं हमारे, ये 3 रेंजेस हैं, कराकोरम, हिंदू कुश और क्या कहते हैं हिमालय, 7,000 ग्लेशियर्स हैं। अब क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पिछले कोई 20 साल से क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होने लग गई, स्टडीज़ शुरू हो गई, तो एक स्टडी आई कि ये सारे जो हैं रिट्रीट कर रहे हैं, फिर आई नहीं ये वेस्टर्न नहीं कर रहे, ईस्टर्न कर रहे हैं। तो अभी उसके ना इतनी कोई आप ये कोई डिटरमिन नहीं कर सके आपके कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि एनुअल रिट्रीट कितना होता है, देर इज़ नो आंसर एनीवेयर, ठीक है ना, जो हमें जानने की ज़रूरत है। फिर उसकी वजह से आपके रिवर फ्लोज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं जानता। तो इसके लिए भी मैंने एक एक्चुअली कोशिश की थी, लेकिन फिर काम इतने होते हैं आदमी नहीं कर पाता, कभी ये होता है ऊपर से आपको जो है इजाज़त नहीं मिलती।
मैंने प्रपोज़ किया था एक बनाएं पाकिस्तान का मॉडल बनाएं इसका टेम्परेचर रिवर फ्लो मॉडल। तो जो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म आपने पूछा उसमें एक मैंने आपको हाइड्रो पावर का बताया, ये बड़ा ज़रूरी है एंड दिस इज़ कैसे मीडियम टर्म 10 साल ऑलमोस्ट। शॉर्ट टर्म नॉर्मली मैं समझता हूँ 5 साल, मीडियम जो है वो 15-20 और लॉन्ग उसके बाद। जो आपका दूसरा वाटर रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें पहला काम तो आपको ये करने की ज़रूरत है कि जो आपके वाटर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो कंट्रोल है वो वाटर एक्सपर्ट्स के हाथ में दें, ठीक है, और लेट देम प्लान। पॉलिसी आपने बनाई हुई है, लेट देम प्लान एंड लेट देम। देखिए हमारे यहाँ जो होता है ना कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए जाते हैं बेस्ड ऑन PC1 तैयार किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग जो है वो नहीं होती। तो आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्लान बना दें कि 5 साल में हमारा इरिगेशन पंजाब में सिंध में इधर उधर 5-5 साल में क्या कहाँ पहुँचेंगे, हम 15 साल में क्या कहाँ पहुँचेंगे, क्या क्या करना है, अर्बन में क्या करें। अच्छा अर्बन वाटर की जो गवर्नेंस है उस मैनेजमेंट है उसका एक और डिफरेंट, वो भी एक अलहदा से सब्जेक्ट है, मैंने इसका इतना टच नहीं किया। उसका भी उसका सोलूशन ये है कि आपकी जो वाटर यूटिलिटीज़ हैं जैसे वासा है यहाँ पे, इन सब को कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं। ये बनी इनका कंसेप्ट यही था कि ये अपना कमाएं अपना खाएं, ये डिपेंडेंट ना हो। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है अगेन वाटर मीटर पहला स्टेप है, वाटर बिलिंग कलेक्शन, रिड्यूस नॉन रेवेन्यू वाटर। हमारा नॉन रेवेन्यू वाटर मुझे याद है एक ज़माने में जब मैं पाकिस्तान में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे अर्बन वाटर के, तो हमारा नॉन रेवेन्यू वाटर तकरीबन 50% के करीब था। उसमें लीकेज कम होती है, चोरी ज़्यादा होती है, और फिर बिल आप कर भी देते हैं तो कलेक्शन नहीं होती, कलेक्शन एफिशिएंसी भी आपकी 55-60% थी। सिंगापुर को हम मिसाल देते हैं वाटर यूटिलिटीज़ की, उनकी जो नॉन रेवेन्यू वाटर है 1% है। तो नॉन रेवेन्यू वाटर को कम करना है। अब ये सारी चीज़ें इनको ये विद इन 5 ईयर्स कर सकते हैं, आप बंदे सही लगा दें। हमने वासा का जो MD है और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं, वो आप टेक्निकल लोग लगाएं, डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट करनी है तो टेक्निकल लोग लगा दें उनको, ठीक है, तो वो कर देंगे आपको। ये बड़े वो हैं लॉन्ग टर्म में जो है ना, आपने ये सोचना है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है, उस पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट क्या होगी 2030 में, 2040 में, 2050 में, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इरिगेशन, वो आपने एस्टीमेट करनी है। और अपने अपने जो प्लान बनाने हैं कि हमने कहाँ जाना है 5-10-15-20 साल, प्लान आपने अकॉर्डिंगली बनाने हैं। रिसोर्सेज आपने प्लान करने की, रिसोर्सेज कैसे जनरेट होंगे, उसमें रिसोर्सेज पार्टली जनरेट होने चाहिए आपके जो वाटर यूजेज है उससे, एटलीस्ट अपनी आप ऑपरेशन कॉस्ट तो निकाल लें ना, जो स्टाफ है आपके डिपार्टमेंट्स में तनख्वाहें तो निकाल लें उसमें से। अगर टू स्टार्ट विद, अगर आप मेंटेनेंस नहीं निकाल सकते तो टू स्टार्ट विद ये निकालें, ग्रेजुअली उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस दोनों निकालें, ग्रेजुअली उसको पार्शल रीहैब वगैरह पे कर लें। जैसे देखना आपने नीलम जेलम का आपने लगाया हुआ था, बिजली के बिलों पे लगाया हुआ था ना, तो वो हर बंदे ने उसमें हिस्सा डाला है। तो इस तरह आप कर सकते हैं कि फार्मर जो है आप उसको कंट्रोल में लाएं, बड़ा ज़रूरी है। सर ये अब वाकई फाइनल वाला क्वेश्चन कि ये जो अक्सर कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर अगली या कुछ होगी या जंगें होंगी पानी के ऊपर, तो ग्लोबली तो नहीं चले पता, लेकिन आपको लगता है कि हमारे खित्ते में हमारे रीजन में इसके पोटेंशियल है दैट देयर वुड बी वॉर्स बिकॉज ऑफ वाटर? नहीं, हमारे खित्ते में जंग होगी नहीं, हमारा मेरी ज़ाती राय में कोई भी इशू जंग नहीं होगी। उसकी एक बड़ी बहुत बड़ी वजह है कि जो लोग जो हमारे जो पड़ोस में मुल्क हैं उनके पास हमारे पास जो कैपेबिलिटी है उसकी वजह से कोई भी नहीं चाहेगा और होनी भी नहीं चाहिए। वाटर का जो क्रॉस बाउंड्री इश्यूज़ हैं वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें भी जो है मेरा ख्याल है कि हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया ऐसा जैसे हम उठा सकते थे। हमने इंडस्ट्री प्लेसमेंट वर्क्स कर दी हैं, उसके बाद हमने उसको भूल गए हैं।
तो मेरे ख्याल कोई जंग जुंग नहीं होनी इसमें, ऐसी ही है। सो दैट इज़ गुड न्यूज़। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कभी इंशाल्लाह दोबारा आपका पाकिस्तान चक्कर लगा तो फिर दोबारा आपसे सर बैठेंगे और दूसरे जो आपने इतने सब फील्ड्स बताई हैं इसकी उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सामा। कभी नहीं इंशाल्लाह मेरा चक्कर लगेगा यार, इस साल ना लगा तो अगले साल तो लगेगा। डेफिनेटली सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर थैंक यू प्लेयर।